Hello students, I am Sapna Blara. Today we will going to start our third chapter, that is Tarot's Reward. This is a story about a thoughtful and loving son. He worked hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. What type of unexpected help he got, that we will cover in the chapter. He was very obedient, a child. He always cared for his father and mother. Then what happened one day? That we will discuss. Okay, let's start the chapter. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक woodcutter था, woodcutter जो लकड़ियों को cutting करता है, उसको woodcutter बोलते हैं. उसका नाम था Taro, जो रहता था कहाँ पे? एक अकेली hillside पे. हिल समझते हो, छोटी छोटी जो चट्टानें होती हैं उनको बोलते हैं. वहाँ पे रहता था अपनी मदर और फादर के साथ में. ऑल डे ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन वो वुड में वुड की कटिंग किया करता था, लकड़ियाँ काटता था. दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी. आपको पता है लकड़ियाँ काटने का काम बहुत मेहनत वाला होता है, तो पूरे दिन वो काम करता था लेकिन लकड़ियाँ बेच करके जो उसे पैसे मिलते थे वो बहुत थोड़े से मिलते थे. This made him sad, इसलिए वो बड़ा दुखी रहता था. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. क्यों दुखी था वो? क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा था और वो अपने माता पिता को हर खुशी देना चाहता था, जो भी वो चाहे वो हर चीज़ उनको देना चाहता था, और इतने कम पैसों में वो हर चीज़ उनको नहीं दे सकता था, इसलिए वो दुखी रहता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन क्या होता है, Taro और उसके parents corner में उनके जो hut थी, hut तो समझते हैं झोपड़ी, झोपड़ी में cottage, उनमें अंदर बैठे हुए थे corner में. A strong wind began to blow, एकदम से तेज हवा आ जाती है. It whistled through the cracks of the hut, hut में कहीं ना कहीं दरारें भी होती हैं, और जब वो तेज हवा वहाँ पे आई तो एक सीटी सी की आवाज़ आती है. And everyone felt very cold. और जो भी हट में था, हट में कौन कौन था? Taro और उसकी मम्मा फादर मंदा थी, तो सबको एकदम से ठंड लगती है. Suddenly Taro's father said, और उसके बाद उसके फादर कहते हैं क्या, I wish I had a cup of sake. It is not sake. Spelling sake की भी यही होती है, ऐसे की ही, पर यहाँ पे आप इसको pronounce करोगे sake. एक जैपनीज ड्रिंक होता है और इसकी प्रोनंशिएशन होगी साके, ठीक है? तो उसके फादर कहते हैं काश मेरे को एक कप साके का एक कप मिल जाए, यानी साके मांग रहा था. इट वुड वार्म मी एंड डू माय ओल्ड हार्ट गुड. क्यों? क्योंकि ठंड थी और गरम गरम जो उसको साके ड्रिंक मिलता तो वो उसको गर्मी देता और वो एक बूढ़े के लिए बहुत अच्छा रहता. This made Taro sadder than ever. इससे Taro को और ज़्यादा दुख होता है. For the heart warming drink called sake was very expensive. क्यों? क्योंकि जो ड्रिंक थी sake वो बहुत ज़्यादा expensive थी और इतने पैसे तो उसके पास थे नहीं. How do I earn more money? कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ? He asked himself, उसने अपने आप से पूछा. How do I get a little sake for my poor old father? कैसे मैं अपने गरीब पिता के लिए साके खरीद सकता हूँ? He decided to work harder than before. एक ही तरीका उसे नज़र आया, क्या? कि जितनी मेहनत वो करता था उससे वो ज़्यादा मेहनत करे ताकि अपने फादर को साके ला के दे सके, एटलीस्ट थोड़ा सा ही ले आए. नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual. जितने बजे वो सुबह उठता था उससे और जल्दी वो उठ जाता है. And made his way to the forest. और फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है. He chopped and cut as the sun climbed. वो क्या करता है? कटिंग करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब कुछ तो मेहनत का काम कर रहा था, कटिंग का काम कर रहा था, तो वैसे ही बॉडी में गर्मी आ जाती है. कुछ सूरज भी निकला आया था तो उससे भी उसको गर्मी लग रही थी, तो उसने क्या किया, अपनी जैकेट निकाल दी. हिज माउथ वॉज ड्राई. अब उसका जो मुंह था वो भी सूख चुका था. एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. और उसका जो पूरा फेस था वो गीला हो गया था पसीनों से.
माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा मेरा गरीब पिता, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश उनको भी उतनी ही गर्मी महसूस होती ठंडे मौसम में जितनी अभी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि वो तो काम कर रहा था इसलिए उसको गर्मी लग रही थी। तो सोच रहा था काश मेरे फादर को भी ऐसी गर्मी महसूस होती तो उनको ठंड में ठिठुरना ना पड़ता। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोच करके वो और जल्दी जल्दी कटिंग का काम करने लगा। Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. क्यों? ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके और अपने बूढ़े पिता को साके पिला सके, उनकी बूढ़ी जो बोन्स हैं, जो कमजोर बोन्स हैं, उनको थोड़ी गर्मी मिल जाए। Then suddenly Taro stopped chopping. एकदम से Taro ने चॉप करना, कट करना बंद कर दिया। What was that sound he heard? क्या था वो? उसको कुछ आवाज़ आती है। ये कैसी आवाज है? Could it possibly be rushing water? जो आवाज आ रही है क्या वो पानी बहने की आवाज आ रही है क्या? उसको कुछ आवाजें तो आ रही थी पर वहां पे उसने कभी सुना या देखा नहीं था। Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. उस जगह पे उसने ना तो कभी सुना था कोई ऐसी नदी छोटी सी या कुछ है ऐसा पानी का स्रोत, ना ही उसने कभी देखा था। He was thirsty, उसको प्यास भी लग गई थी। The axe dropped out of his hand, और एकदम से पानी की आवाज़ सुनी और उसको प्यास भी लग रही थी, तो जो उसने एक्स होती कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। And he ran in the direction of the sound, और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो उस डायरेक्शन में भागता है। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. क्या देखता है? एक waterfall था, एक रॉक के पीछे, एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। वाटरफॉल आपको पता ही है, झरना। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, और वो एकदम से झुकता है जहाँ पे पानी बड़े आराम से गिर रहा था। ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड, कप्ड मीन्स ऐसे हाथ में ऐसे करके उसने, और वो पानी उसमें भरा। एंड पुट इट टू हीज लिप्स, और उसमें उसने अपने होठों पर लगाया। Was it water? क्या ये पानी है? Oh, was it sake? या ये sake है? He tasted it again and again. बार बार वो पी रहा था क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था ये है क्या, पानी है या sake है, तो एक बार और टेस्ट करना चाह रहा था कि कंफर्म करने के लिए कि है क्या ये। And always it was a delicious sake instead of cold water. हर बार क्या मिल रहा था उसे? Sake मिल रहा था पानी की बजाय, क्योंकि झरना था, झरने में से तो पानी बहना चाहिए था, लेकिन जब वो टेस्ट कर रहा था तो उसमें क्या मिला उसको? साके मिला। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डू टुमारो, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द स्टोरी टिल हियर, एंड यू विल रीड बाय योर ओन आल्सो व्हेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। नाउ यू विल चेक द डिफिकल्ट वर्ड्स, दीज डिफिकल्ट वर्ड्स आल्सो you must write down in your notebook. Thank you.